ये है जगदीश सर का स्टूडियो। पहले मैं आप लोगों को लाइव वर्क दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जो अभी यहाँ पे चल रहा है। ताजमहल बनने का एक प्रोसेस दिखा रहे हैं। से 1.5-2 साल का तो प्रोसेस होगा सर? 2.5 साल। दे दिया शेखर भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, शेखर भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, आइसमैन। सो दिस इज योर दोस्त गौरव सोनी फ्रॉम गौरव सोनी व्लॉग्स। तो आज है दिवाली, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है दिवाली का नया धमाका जो कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आज मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ हमारे मेंटोर जगदीश सर से, और ये पहली बार है कि हम आपको लाइव दिखाएंगे कि एक आर्टिस्ट की लाइफ, एक आर्ट क्या होती है। तो ये है जगदीश सर का स्टूडियो जहाँ पे हम लोग अभी आए हुए हैं, और ये है जगदीश सर का स्टूडियो। तो आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे आपको हर जगह पेंटिंग्स दिखेगी, हर जगह कला दिखेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लाइव वर्क दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, जो अभी यहाँ पे चल रहा है। ये है हमारे पूजनीय श्री साला सर बालाजी महाराज, और ये इनकी लाइव पेंटिंग है जो जगदीश सर द्वारा बनाई जा रही है। तो एज यू कैन सी ओवर देयर, देयर इज़ अ वर्क, और ये 100% गोल्ड प्लेटिंग में कर रहे हैं सर। ठीक है, अब इसी के साथ मैं दिखाने वाला हूँ आपको। अगर आपको याद होगा मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में ये पेंटिंग चल रही थी। तो ये सर का वर्क है जहाँ पे अगर आप डिटेलिंग पे जाएंगे, डिटेलिंग इतनी ज़्यादा है कि मैं आप लोगों को पूरी डिटेलिंग नहीं दिखा पाऊँगा, बट अगर आप देखेंगे तो ये है शाहजहाँ, जो कि ताजमहल बनने का एक प्रोसेस दिखा रहे हैं। और ये सामने बन रहा है ताजमहल, ये इसका स्कल्पचर। और अगर आप ये देखेंगे, घोड़े, हाथी, ऊंट जगह जगह सामान लेकर जाते हुए, और ये बन रहा है ताजमहल। ये देखिए, ये है मुगल साम्राज्य का एक जीता जागता जीवंत उदाहरण जो कि जगदीश सर द्वारा बनाया गया है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो पूछते हैं कि जगदीश सर का इंट्रोडक्शन, तो ये इंट्रोडक्शन हम दिखा रहे हैं आपको। एक ये उनका आर्ट है, ये है एक उनकी कला, और ये उसका बहुत छोटा सा नमूना है। यहाँ जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाई सारी पेंटिंग्स जो कि एक एक मास्टरपीस है, वो सामने भी मैंने आपको दिखाया बाजीराव मस्तानी वाली पेंटिंग, और यहाँ आपने कला देख ली। अब आप देखेंगे कलाकार। तो हमारे साथ हैं अभी जगदीश सर जो कि हमारे ग्रुप के मेंटोर भी हैं, और जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वैसे तो मैं आप लोगों को मिला चुका हूँ, बट ये पहली बार है कि हम उनके स्टूडियो आए हैं और आज आपको जगदीश सर से रूबरू करवा रहे हैं। तो जगदीश सर, वैसे तो आपको मेरे ख्याल से हमारा कोई ऐसा दर्शक नहीं होगा जो नहीं जानता, और मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। बेसिकली मैं ऑयल पेंटिंग बनाता हूँ और कैनवास पे, तो सारी पेंटिंग्स जो देखी आपने ये मेरी ही बनी हुई है, और ये मेरे ही सब्जेक्ट हैं करीब करीब। तो बाकी तो गौरव सोनी ने बता दिया होगा, गौरव जी ने नहीं सर, मेरे बताने में और आपके बताने में बहुत फ़र्क है। तो सर जैसे अपन इस पेंटिंग की बात करें जी, तो इसमें जो डिटेलिंग है मेरे, हम अगर हम इतनी देर से बैठे हैं और इस पेंटिंग को ही हमें देखते हुए लगभग घंटा भर हो गया, तो सर आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट कैसे आया कि मुझे ऐसा कुछ बनाना चाहिए, और इसमें आपको कितना टाइम लगा? ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट मेरे बड़े बेटे हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था,
क्लास नहीं है, तो बोला ये सब्जेक्ट पढ़ाओ। अच्छा, सब्जेक्ट तो उन्होंने दिया मैं। बहुत बढ़िया सर। और फिर मैंने इसकी स्टडी की, तो अभी जो एंट्रेंस है इसका फ्रंट का, मैंने जब मैंने थोड़ा पढ़ा, मैंने हिस्ट्री इसकी पढ़ी, तो शाहजहाँ यमुना के इस पार से ही अपना एंट्रेंस देना चाहता था, तो मैं उसी को लेके मैंने शाहजहाँ की सोच को लेके मैंने इस साइड से जैसे यमुना नदी दिखाई है और इसको देखते हुए कितने कारीगर काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, यमुना से अगर बनता तो सामान कैसे आता है यहाँ पर, तो नावें दिखाई है मैंने सारे, नाव में सारा सामान आता था, फिर यहाँ उतरता था, फिर वहाँ से नाव से। तो बढ़ाते बढ़ाते कई बार पेंटिंग मैंने सब्जेक्ट मिटा भी दी, कुछ दिमाग में आता नहीं था, फिर डिटेलिंग देख के नए तरीके से सब्जेक्ट बनाता था। कभी ताज छोटा हो जाता था, दूर से देखता था तो उसको, फिर मैं देखता था मेरी ताज बहुत छोटा हो गया, फिर उसको बड़ा करके मैंने ताज को, एक बार ताज कम्प्लीट करने के बाद एक बार मिटा दिया सारा, फिर नए तरीके से फिर ताज को उठाया। ये लगभग सर मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का तो प्रोसेस होगा सर। 2.5 साल में मेरी पेंटिंग। 2.5 साल उसके घोड़े थे शादी वादी में जाते, तो पहले तो बोला मैं नहीं दूंगी, और ये है तुम चलाना जानते हो नहीं जानते हो, ये तो ऐसे थे जब आदत नहीं, 10 रुपये एक घंटे का लेती थी। अच्छा, मैं घोड़े किराए पर, हमारे टाइम में हमने साइकिल लिए किराए सर, उसका भी शौक बिल्कुल वो होता ना। ऑस्ट्रेलिया करता हुआ यूनिवर्सिटी जो बिरला मंदिर के पास एक छोटा रास्ता था, वो घोड़ा बांध देता था, उसको 100 रुपये देता था मैं, घोड़ा जब बांधता था जुमड़े बनी थी कच्ची बंद करती थी बात। कब की बात है सर ये? बहुत पुरानी है। उस टाइम पर 100 रुपये की 10 रुपये की वैल्यू क्या थी? 100 रुपये महीना देता, फिर यूनिवर्सिटी में स्विमिंग करके आता था, 30 मिनट स्विमिंग करके फिर वापस घोड़ा दे दिया जाता था, एक मजा लगता है आज के ऊपर मैं। तो यहाँ मैंने आप लोगों को पेंटिंग दिखाई, यहाँ कला दिखाई और हमारे कलाकार भी दिखाए, और आज के लिए दिवाली वाले ब्लॉग में हम इतना ही चाहेंगे आपसे, बाकी हमसे जुड़े रहे, आपको आगे बहुत कुछ देखने को बाकी है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गौरव सोनी व्लॉग्स। तो आज है हमारे दिन की शुरुआत, और आज है हमारे शेखर भाई का बर्थडे, और पीछे बैठे हैं 300 मीटर्स एट द राउंड अबाउट कंटिन्यू स्ट्रेट ऑनटू बेस्गोडन फ्लाईओवर। खा खा के धाप गए हैं बुरी तरह, और ये पूरी मिठाइयां खा ली, ये दिवाली वाले दिन 1.5 किलो मिठाई अकेले खाए। कैन यू इमेजिन कि एक बंदा इतना बड़ा राक्षस हो सकता है? देखो खुद खुद की प्रवृत्ति में भी हंस रहे हैं। खैर जोक्स अपार्ट, ये भी बहुत बड़ा टैलेंट है कि खुद के ऊपर भी कोई हंस सके, हम नहीं हंसते। और हमारे साथ में संजय भैया जो कि दिवाली के बाद में आज नजर आए हैं, और पीछे हमारे एवरग्रीन देव आनंद साहब, क्षितिज भैया, और इन 600 मीटर्स टर्न लेफ्ट ऑन टू बावानी सिंह रोड वैद्य बॉय शेखर भाई। हेलो, हियर आई एम। आज ही अपना बर्थडे मनाने जा रहे हैं। अभी मैं थोड़ा अच्छा अभी बहुत बहुत मतलब अभी मैं ठीक दिखा, अभी थोड़ा रस्टिक लुक दिखेगा, थोड़ी देर बाद में आप देखेंगे इनका क्रीमी लुक, और ताकि हम बनाएंगे आज का व्लॉग और ऐड करेंगे आप लोगों के लिए। तो अभी चलते हैं निप्स कैफे और वहां चल के व्लॉग को देते हैं अंजाम। शेखर भाई का बर्थडे केक यहाँ है हमारे दाढ़ी वाले बाबा और शेखर बाबा जिसको कटवाने हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शेखर भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर शेखर भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे अरे हैप्पी बर्थडे दादा।
आगे रहना क्या हो गया कड़वा भी खुद ही प्रेम से गौरव भाई बोल रहे हैं तो इतने प्रेम से लगाएंगे आज के लेवल चल रहा है ना तो यहाँ बड़ी सादगी से शेखर तो भाई का बर्थडे मनाया जा रहा है तो नहीं है सफाई है और इसी सादगी से केक को जल्दी जल्दी खत्म भी किया जा रहा है लो शेखर भाई दमादम खा ले यहाँ मनाया जा रहा है हमारे शेखर भाई का हैप्पी बर्थडे और यहाँ हमारे भाई लोग इकट्ठा मेहुल भाई जिमी सर यश सिद्धार्थ संजय बाबा डॉक्टर साहब और यहाँ हमारे बर्थडे बॉय कटने के लिए तैयार और वो आ गए स्टेडी साहब ये एक्स्ट्रा क्रीम लगाने के लिए और ये केक खाने के लिए तो पहले खाने का कार्यक्रम किया जाए जिमी सर हाँ चलो अरे इसको इधर रखे पागल है क्या गलत रुक जा हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू गॉड ब्लेस यू मे गॉड ब्लेस यू हैप्पी बर्थडे टू यू Happy birthday to you. Iceman. Snowman. Winter is coming. Silk हो जाएगी. पर मैं आप ही लगा लो silk हो जाएगी बात. आपकी नहीं हो रही थी ना. एक बट्टे और ना किसी का मैंने. Snowman. एक सुना तो मैंने बट्टे. हाँ हाँ. बिल्कुल है. अरे सुना तो मैंने. कुछ नहीं. अरे उनके लिए भी तो बता. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये मेरे यार. Happy birthday. आपको लगाने का तो बात ही नहीं है. अरे अरे सिद्धार्थ अच्छा नहीं लग रहा है शेविंग क्रीम है ये यहाँ है हमारे शेखर दादा इनका इनका जो बर्थडे आता है वो आता है पंच दिवसीय बर्थडे तो ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हाँ जी दादा हैप्पी बर्थडे टू यू Happy birthday to you. Happy birthday dear Shikhar bhai. No plastic. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. तो ये हैं हमारे थानेदार साहब yes. नितिन भैया ये थानेदार जी हैं हर्षित भैया हेलो तो इनको बड़ा प्रेम है हमारे शेखर दादा से दाढ़ी में लगेगा
दादा का मुंह मीठा करा यार। अरे क्रीम मत खिलो मुझे, ये जाएगा। अरे क्रीम मत खिलो, कुछ नहीं है तो एक बार तो लो। अरे यार माफ ले लो, मतलब ये पैसे बहुत। वाह मेरे फादर है बता। सही है, मतलब नींद में तो पर ना।